आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर रीवा के कलेक्ट्रेट सभागार में जल संरक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर मनोज पुष्प के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आज दोपहर 12 बजे से आयोजित कार्यशाला में जल संरक्षण और संवर्धन की प्रभावी मुहिम के उद्देश्य से स्वैच्छिक व्यापारिक तथा शैक्षणिक संगठनों सहित निर्माण कार्य से जुड़े विभाग के अधिकारी एजेंसियों के उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर जल संरक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान जिले भर के विभागों को आपस में जोड़कर जल संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जाएगा। एडीएम रीवा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आगामी दिनों में किसी भी प्रकार का जल संकट न हो, उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि जिले भर में पानी को एकत्रित और सुरक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। आदरणीय कलेक्टर सर के निर्देशन में, जैसे इस बार की भीषण गर्मी को देखते हुए और आगामी इसी तरह की जो समस्याएं जल संकट हमारे यहाँ पे आ रहा है, उसको लेकर जल संरक्षण और संवर्धन का एक प्लान बनाकर पूरे जिले के सभी विभागों को जोड़ते हुए नगर पालिका, नगर निगम और अन्य ऐसे विभाग जो कि इंजीनियरिंग या तकनीकी रूप से इसमें सक्षम है, उन सबको जोड़ के एक प्रशिक्षण इसमें दिया जा रहा है, जिसमें शहर के बहुत सारे समाजसेवी संगठनों के लोग, हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन और ऐसे बिल्डर्स और बड़े लोग जो कि इस तरह के कार्यों गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, उनको प्रेरित करना है कि वो जल संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा दें और हम ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग कर सकें, वापस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें। आप लगातार जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, यहाँ तालाब लोग कब्जा कर रहे हैं, तालाब में से पोखरों में से बचे हैं, वो दोनों तीनों चीज़ें हम लोगों के नॉलेज में हैं। जो अपने तालाब वाला इशू है, उसके लिए लगातार तालाबों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अभी भी अभियान चला के हम लोगों ने करीब 8 तालाबों का अतिक्रमण हटाया है जिले के, और जो शेष तालाब हैं उनके अभी अतिक्रमण हटाने का बहुत जल्द आप त्योत्तर जवाब वगैरह में ये कार्यवाही देखें, निरंतर उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। राजाओं के ज़माने में ऐसे प्राचीन बौलियाँ बहुत सारी बनाई गई जिनका संरक्षण आज तक नहीं किया गया है, इस पर इसी तरह का एक्चुअली ये कार्यक्रम है। जो पुराने जल स्रोत जल और जल संग्रहण की बावड़ियाँ, छोटे तालाब या सोता या जो अलग अलग तरह का नाम उनका अपन लोग राजस्व रिकॉर्ड में देखते हैं, उन सभी को संरक्षित और पुनर्जीवित करने की। तो वाटर लेवल को बढ़ाएंगे कैसे? ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके हम वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं। यदि हम लोग जैसे सोखता गड्ढा बोलते हैं, बारिश का पानी जो सामान्य तौर पर बह जाता है, हम लोग जो ट्यूबवेल से बार बार पानी निकालते हैं, उससे वाटर लेवल नीचे जाता है। इन सब चीज़ों को एक चेन टाइप का है, यदि इनको एक दूसरे से कनेक्ट करके प्रयास किया जाए तो बहुत अच्छे ढंग से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सकता है। और यदि रिचार्ज ना भी हो तो जिस लेवल पे है उस पर स्टेब्लिश रहेगा, तो हमेशा हमारे बोर काम करते रहेंगे, चाहे गर्मी हो या कोई भी मौसम।